काव्या एक जज्बा एक जुनून में फाइनली 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 वो एक ब्रेक पॉइंट आ चुका है जहां पर फिर एक बार काव्या एक ऐसी मतलब कंफ्यूज है कि वो क्या करे। आदि का मानना है फैमिली को ऊपर रखो, उसूल चलते रहेंगे, जस्ट लाइक हमारे विन डीजल पर। ठीक है, जो लोग नहीं जान उनको बता दो, एक फास्ट एंड फ्यूरियस नाम की सीरीज है जहाँ पे सब कुछ होता है फैमिली को लेकर। ठीक है, डोमिनिक टोरेटो सर्च करोगे मिल जाएगा, हमारे डोमिनिक टोरेटो है यहाँ पर, हमारे आदि भैया जिनको फैमिली ऊपर चाहिए, बाकी सब चलता रहेगा, फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वही हमारी दूसरी तरफ IAS काव्या बंसल है जिनके लिए फैमिली बाद में, हमारे जो आदर्श हैं वो पहले। अब यहां पर दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप, फैमिली और हमारा आदर्श दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते, या तो आदर्श ऊपर रहेंगे या फैमिली ऊपर रहेगी। और अब इसी वजह से होगा इन लोगों के बीच में कलेश, क्यों? क्योंकि आदि चाहता है कि तुम अपनी माँ को जेल मत भेजो, अपनी फैमिली को बचाओ, बट काव्या यहाँ पर अपनी माँ को जेल भेजेगी, क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि जो उस बंदे का घर गया है और उसके से हजारों लोगों का घर गया है, उनकी पूरी जीवन भर की कमाई सब कुछ गई है इस जॉब के लिए, उन सबको सजा मिले। वो ये नहीं देख रही कि इसकी वजह से उसकी माँ को भी काफी कुछ झेलना पड़ेगा, उनकी माँ की भाई उसकी भी बदनामी होगी। नहीं भाई, मम्मी के नाम पर अगर ये चीज है तो करो। इसी को लेकर अब आने वाले एपिसोड्स में आदि और काव्या की भयंकर फाइट होगी। मे बी इसमें शुभ का भी कोई नाम या कोई इंसिडेंट आ सकता है, उसका भी कुछ हो सकता है हाथ, बट यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि शुभ यहाँ पर अभी भी काव्या को लेकर कुछ ना कुछ फील कर रहा है। आज के एपिसोड में लोगों ने देखा जब अनुभा के साथ वो डिनर कर रहा था, शुभ के दिमाग में काव्या का वो मूवमेंट चल रहा था जब वो ब्लड डोनेट करके बाहर आया था, उसने काव्या को देखा था। और मैंने ये बात आपको पहले कई बार बोली है रिव्यूज में कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा राजीव फिर से शुभ की और काव्या की शादी करने की बात कर दे। अगर देखा जाएगा, मैं लॉजिकली सोचूं, गिरिराज प्रधान कोई मौका नहीं छोड़ रहा है काव्या और उसकी माँ को बेइज्जत करने के साथ साथ उनकी धज्जियां उड़ाने में, इज्जत। उसका बेटा कुछ नहीं कर पा रहा, काव्या का पति कुछ नहीं कर पा रहा, बल्कि काव्या के उल्टे मतलब सवाल जवाब कर रहा, उनको डांट रहा है। तो यही अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या फिर अब शुभ यहाँ पे बीच में कूद कर सब चीजें सही करेगा, क्या फिर से यहाँ पे शुभ का कोई मेजर हाथ होगा अंजलि को सेफ गार्ड करने के लिए, क्या फिर यहाँ पे शुभ एक मसीहा बनकर आएगा काव्या के लिए, क्या होगा? और इसी सब के बीच में एक और कलेश होगा कि भाई वैसे सुनने में आया, मुझे आई एम नॉट श्योर कि ऐसा होगा ही और अभी होगा, लेकिन सुनने में आया है कि काव्या का मिसकैरेज भी इसी भागा दौड़ी के चक्कर में हो जाएगा, कोई एक एक्सीडेंट होता है जिसके चक्कर में मिसकैरेज हो जाता है। और आज ही आदि ने बोला है कि काव्या तुम इतने बड़े रिस्क मत लो, प्लीज प्लीज तुम बच्चे का ध्यान रखो। काव्या ने बोला कि मैं ध्यान रख तो रही हूँ, तो आदि ने बोला कि ध्यान रखते हो तुम ये सब नहीं करती, जो बताती है कि मम्मी थी या मैं कैसे कुछ करने देती। हाँ भाई ठीक है, वो लॉजिकल सिचुएशन थी, बट आने वाली सिचुएशंस लॉजिकल नहीं होगी काव्या बंसल, क्योंकि अब आदि आपके ऊपर सीधे ब्लेम डालेगा कि जब मैंने बोला था कि उसूलों को साइड में रखकर एक बार फैमिली के बारे में सोचो, तो सोचो, अगर फैमिली के बारे में आप सोचते तो शायद आज सब लोग खुश भी होते, शायद आज जो हमारा बच्चा गया है वो भी ना जाता। ये मेरी तरफ से एक मैं बोलूं कि हाँ मेरी स्टोरी लाइन है, बट ऐसा हो सकता है। दूसरी तरफ आज के एपिसोड की बात करें, मेरे को सबसे बड़ा फनी पार्ट लगा जब गिरिराज ने नाली का कीड़ा बोला। मैं उस समय सोच रहा था कि भैंस की यार, ये डायलॉग राइटर क्या लिख रहा है, वो इतना रियलिस्टिक लिख रहा है भाई, एक्चुअल में ये टॉक है। अगर मैं बोलूं पर्सनल कन्वर्सेशंस में ऐसे ही लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है जनता के लिए, नाली के कीड़े हैं, कीड़े मकौड़े हैं, अरे ये कर देंगे, अरे वो करेंगे, एक्चुअल में उनकी कन्वर्सेशन में ऐसी बातें होती हैं। और इतना लेजिट इन्होंने भाई कैसे डायलॉग में डाल दिया, कैसे? और मैं देखती हूँ, मतलब मैं उस समय एक सांस रहा था, भाई क्या लिखा है तुमने,
मर गया भाई, मजा आ गया। और डायलॉग राइटर्स की तो मैंने भाई कई बार तारीफ करी और आज भी तारीफ करूंगा कि डायलॉग बड़े अच्छे लिखे थे। बाकी हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में कहानी कहां से कहां जाती है, बट अगर जो मैं बोल के गया हूं अभी थोड़ी देर पहले वही सब होता है तो पूरा का पूरा शो का ना पर्सपेक्टिव बदलेगा, पूरी सारी की सारी स्टोरी लाइन सब कुछ बदलेगा। और अनुभा के साथ अब क्या होगा वो भी देखने वाली बात है कि अनुभा अब अगर शुभ से अलग हुई बड़ा स्टेप लेगी तो वो स्टेप मे बी ऐसा हो सकता है कि आदि की तरफ उसको ढकेल, मे बी नॉट श्योर बोल रहा हूँ, मे बी बोल रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले एपिसोड में, लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आने वाले एपिसोड में ये लोग कहां से कहां क्या क्या कहानी लेकर जा सकते हैं हमारे मेकर साहब। और इसी तरीके के हर एक अपडेट्स और रिव्यूज रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप मिस ना करें कोई भी लेटेस्ट अपडेट।